हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। रविवार को एक घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होने से घर के अंदर ऐसी आग लगी कि सब कुछ जलकर राख हो गया। इस आग में एक माँ और उसके दो मासूम बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। तीनों को चीख पुकार से पड़ोसियों ने किसी तरह से गैस सिलेंडर को निकाल कर घर से बाहर फेंका। इसके बाद तीनों को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुँचे। यहाँ से तीनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन जब तक उन्हें जिला अस्पताल ले जाया था तीनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तीनों की मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। मिल रही जानकारी के मुताबिक यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के खटौली गांव के रहने वाले उमेश कुमार विश्वकर्मा की 32 साल की पत्नी अलका रविवार सुबह 10 बजे घर पर खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर लीक होने से रसोई में आग लग गई। आग की चपेट में आने से अलका जलने लगी। इसी बीच किचन में बैठे अलका के दो बच्चे 3 साल की परी और 5 साल का गौरव विश्वकर्मा भी आग की चपेट में आ गया। दोनों बच्चे आग की लपटों के बीच घिर कर माँ से चिपक गए। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे और किसी तरह से गैस सिलेंडर को घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। इसके बाद आग में झुलसे माँ बच्चों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। यहाँ डॉक्टरों ने तीनों की हालत गंभीर देख कर उन्हें इलाज के लिए कानपुर के हालत के रेफर कर दिया। एम्बुलेंस से तीनों को हालत ले जाया जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में ही तीनों ने दम तोड़ दिया। एक साथ एक ही दिन में हुई 3 मौतों से पूरे गांव में मातम पसर गया। हर किसी की जुबान पर अलका और उसके बच्चों की मौत की खबर थी। लोग यही कहते सुनाई दे रहे थे कि हे भगवान, बेचारे बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। पड़ोसियों की माने तो पूरा दृश्य विचलित कर देने वाला था। लोगों का कहना है कि सिलेंडर का पाइप पुराना हो चुका था। शायद यही वजह थी कि पाइप में रिसाव हो गया और इतना बड़ा और इतना दर्दनाक हादसा उन्हें देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, फतेहपुर, यूनिवर्सिटी।